लखीमपुर खीरी टाउन में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन डीएम वाईएसपी द्वारा किया गया। खीरी टाउन में आज दिनांक 15 फरवरी को 11 बजे जिलाधिकारी महोदय शैलेंद्र कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती पूनम जी द्वारा फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। साथ ही थाना खीरी स्टाफ गण मौजूद रहा। जिलाधिकारी महोदय ने ग्राउंड के पास में एक हैंड पंप लगवाने का भी आश्वासन दिया और बताया कि खीरी विकास समिति में जो यह पहल की गई है, इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए यह कहा कि छोटे छोटे गांव व कस्बों से खिलाड़ी निकलकर नेशनल लेवल खेलेंगे और एक दिन खीरी कस्बे का नाम रोशन भी करेंगे। इसी क्रम में कहा कि खेलने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए एसपी साहिबा ने युवा वर्ग के लोगों से खेल के प्रति सजग रहने की अपील की। जब खेल से जुड़े रहेंगे तो क्राइम की तरफ नशा, जुआ, इन सभी गलत कामों से युवा वर्ग को बचाया जा सकता है। खीरी विकास समिति के अध्यक्ष आमिर रजा ने कहा कि उनका मेन उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग के लोगों को नेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कस्बा खीरी के अंदर खीरी स्पोर्टिंग क्लब आज से टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। उसमें अभी जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए थे और ये जो टूर्नामेंट है कस्बा खीरी के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। ये सीजन 2 है, इससे पहले भी एक आयोजन किया जा चुका है और उम्मीद है कि बेहतर यहाँ पर खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में यहीं से इसी तरीके से जो आयोजन होते हैं इसमें इनकी प्रतिभाएं निकलेंगी। आज देखिए जिस तरीके से गांव की प्रतिभाएं जब कोई प्लेटफॉर्म पाती हैं, जब कोई एक स्टेज पाती है, वहां से निकल के और स्टेट पे खेलती हैं और राष्ट्रीय टीमों में खेलती हैं, तो उम्मीद है कस्बा खीरी का ये टूर्नामेंट यहाँ की प्रतिभाओं को बड़े स्तर पर ले जाकर उनके उनके प्रतिभा को निखारेगा।